चाहूंगा मैं आज बायकॉट करूं पूरे 23-24 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया और के क्रम फिर सरकार 23-24 का बजट जो लेकर आई है वो एक ऐतिहासिक बजट इस राजस्थान के इतिहास में है। इस बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखकर इस बजट को तैयार किया गया है और मैं समझता हूं कि राजस्थान के हर वर्ग को, चाहे किसान हो चाहे गरीब हो, सभी वर्गों को इस बजट का फायदा मिलेगा। इस बजट में जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं वो मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के लिए सबसे जरूरी अगर कोई योजना लाना है या बजट लाना है तो वो योजनाएं होगी, जिसमें चाहे सिलेंडर 500 रुपये का हो, चाहे मुफ्त की बिजली देना हो, चाहे चिरंजीवी योजना को 10 लाख से 25 लाख करना हो, चाहे ओपीएस में सभी कर्मचारियों को शामिल करना हो। इसके अलावा जो 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती इस बजट में लाई गई है, उन सभी से मैं समझता हूं कि इस राजस्थान में एक सामाजिक सुरक्षा का माहौल प्रत्येक वर्ग के लिए बनेगा। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में लाडनू को जो सौगात मिली है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चाहे दिनदारपुरा को उपतहसील बनाना हो, चाहे नीम्बीजोधा में पुलिस चौकी को पुलिस थाने में कर्मोन्नत करना हो, लाडनू में स्टेडियम की घोषणा हो, और चाहे 24 किलोमीटर सांवराज से लेकर बल्दू गेनाना सड़क की घोषणा हो, मैं समझता हूँ कि लाडनू के इतिहास में लाडनू के लिए एक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए इन घोषणाओं से बड़ा फायदा लाडनू वासियों को मिलेगा। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पहले बजट में से लेकर हर बजट में मैंने मांग की है कि एक मीठड़ी कस्बा जो लाडनू से 50 किलोमीटर दूर है और वहाँ के उस एरिया के जो निवासी हैं उनके लिए एक उपतहसील की मांग मैंने पहले बजट से की है। तो मैं चाहूँगा कि जब मुख्यमंत्री जी वापस रिवाइज भाषण पढ़े तो कम से कम इस मांग को वो ध्यान में रखें। इसके अलावा बड़ुआ को पुलिस थाना बनाने की मांग इससे पहले बजट से लेकर मैंने अब तक की है, जिससे क्योंकि दो तहसीलों की जो गांव है, कहीं मौलासर थाना कहीं डीडवाना थाना, और वहाँ के निवासियों को एक न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था मिल पाए इसके लिए उस थाने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा लाडनू में उपजिला से जिला अस्पताल घोषणा हो, चाहे चिकित्सा मंत्री जी यहाँ बैठे हैं उसमें पीएससी खारिया देहावा कसुम्बी सूपका गिरडोदा इन गांवों में पीएससी की मांग मैंने पहले भी उठाई है और मैं चाहूँगा कि इन गांवों को चिकित्सा के तौर पर ये सौगातें मिले। सीएससी के रूप में चाहे दयालपुरा हो, जसवंतगढ़ हो, बल्दू हो, रताऊ हो, ये बड़े गाँव हैं सभापति महोदय, और इनमें चिकित्सा के लिए कम से कम सीएससी पीएससी से कर्मोन्नत होकर इन गांवों में खुले। इसके अलावा सभापति महोदय, जो जीएसएस की मांग मैंने बजट में उठाई थी उनमें लोडसर गेनाना मणु ये गांव है जहां बिजली की व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं हो पा रही, इसकी वजह से इन गांवों में जीएसएस नए मांग मैंने की थी, इन गाँवों की उन मांगों को पूरा किया जाए। इसके अलावा सभापति महोदय, मुख्य तौर पर जो पहले बजट में रिको की घोषणा लाडनू में हुई उसका काम अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। वह जो ट्रॉमा सेंटर बजट में घोषणा हुई स्टाफ लाडनू अस्पताल में लगा दिया गया है, लेकिन दूरी की वजह से जो कुछ परेशानी आ रही थी उसको पूरा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ट्रॉमा सेंटर का काम शुरू नहीं हुआ है। तो मैं चिकित्सा मंत्री जी से चाहूँगा कि कम से कम उस ट्रॉमा सेंटर का काम शुरू किया जाए। इसके अलावा सभापति महोदय, हम लोग जो मांगे पूरी की है उसके अलावा जो परेशानियां आम जनता को आ रही है, अगर उन मुद्दों को इस सदन में नहीं उठाएंगे तो मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदारी जनता ने हम लोगों को देकर भेजी है वो पूरी तरह से हम निभाने में कामयाब नहीं होंगे। सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब रबी की फसल अभी चल रही थी उसमें बिजली की कटौती बार बार हुई और पूरे नागौर में किसानों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ा, और
वीसीआर की समस्या, सभापति महोदय जिस तरह से किसानों को वीसीआर के नाम पर जो वहां के अधिकारी और दूसरे जिलों से जो टीमें जाती है वो परेशान कर रही है, उस समस्या से किसानों को राहत देने की कोशिश हम लोगों को करनी होगी। इसके अलावा सभापति महोदय, लाड़नू में पानी की समस्या, क्योंकि सूखा सेक्टर है, पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसमें मैं जो पानी के नए नलकूप और हैंडपंप की मांग मैंने की है, मैं चाहूँगा कि उनकी मांग पूरी यह सदन करे। इसके अलावा पीएचडी का एक्शन ऑफिस जो मैंने लाड़नू में मांगा है उसको दिया जाए, क्योंकि सभापति महोदय सूखा एरिया है और बड़े सेक्टर में एक डीडवाना से एक्शन ऑफिस की वजह से वहाँ समस्याओं का सामना हमारे जो निवासी हैं उनको करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि एक एक्शन ऑफिस की जरूरत पीएचडी की लाड़नू में है। एक बार पुनः सभापति महोदय, जो बजट सरकार लेकर आई और जिस तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और जिस तरह से एक राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा का माहौल आम जनता में बना है कि चाहे राम रूठे लेकिन राज कम से कम उन लोगों का ध्यान रखेगा, तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।